नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माहौल के बारे में। माहौल दैट मीन्स इन्वायरमेंट। आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है यह आपकी पूरी ज़िंदगी तय कर देती है। आप जितना कुछ अपने परिवार से सीखते हैं आगे चल करके वही आपकी मन की आवाज़ बन जाती है। तो आज इस माहौल के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं तो ये एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाना ज़रूरी था ताकि आप समझ सकें कि हमारी थॉट प्रोसेस आखिर काम करती कैसे है। हमारे अंदर जो आवाज़ें उठती हैं, चाहे वो मन की आवाज़ कह लें या फिर दिमाग की आवाज़ कह लें या फिर स्वयं का आवाज़ कह लें, वो आखिर बनती कैसी हैं। क्योंकि मन की आवाज़ जिस तरीके से होगी आप उसी तरीके से अपने जीवन में एक्शन करने वाले हैं। तो इस माहौल को समझने के लिए चलिए मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ। एक परिवार में दो लड़कों का जन्म हुआ। दोनों लड़के जैसे जैसे बड़े हो गए, दोनों लड़के 5 साल के हो गए, तो एक लड़का बड़ों की बात ज़्यादा मानता था और एक जो बच्चा था उस बच्चे को खेलने में ज़्यादा मन लगा करता था। जो लड़का बड़ों की बातें मानता था वो बहुत ही कम ही बाहर जाता था खेलने के लिए, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो नटखट होने के कारण हर दिन बाहर चला जाता था खेलने के लिए। परिवार के लोग एक लड़के को अप्रिशिएट करते थे। जरा सोचिए, उतनी छोटी उम्र में दोनों लड़कों का किस तरीके से आगे चल करके भविष्य बदल जाएगा, आपको ये कहानी इस कहानी में आपको पता चलेगी। तो जो पहला लड़का था जो बड़ों की बातें मानता था, उस लड़के को परिवार के लोग अप्रिशिएट करते थे और घर पे आए हुए किसी भी मेहमान से उसकी तारीफ़ करते थे, जबकि दूसरे बच्चा खेलने के कारण परिवार के लोग उसे मंद बुद्धि के समझते थे कि ये लड़का आगे चल करके कुछ नहीं कर पाएगा। ये सेंटेंस, ये लड़का आगे चल करके कुछ नहीं कर पाएगा, उसको 5 साल की उम्र में ही डालना उसके दिमाग में शुरू कर दिया गया। आप इसे जाने अनजाने में बोल सकते हैं, क्योंकि परिवार किसी भी बच्चे का भला बुरा नहीं चाहता। तो दूसरा बच्चा जो बाहर खेलता था वो हर रोज़ यही सुना करता था कि मैं आगे चल करके कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। दोनों की जब एडमिशन हो गई स्कूल में, दोनों स्कूल में भी जाने लगे। पहला बच्चा जिसकी अप्रिसिएशन होती थी वो हर क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करता जाता था, और एक दूसरा लड़का जो बाहर खेला करता था उसको नेगेटिव थॉट परिवार वालों की तरफ से देती गई। इसके कारण उसका जो परफॉर्मेंस है दिन प्रतिदिन गिरता गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जन्म लेने वाला हर एक इंसान के अंदर इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर कोई कोई ऐसा आदमी होता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। अगर वो ज़्यादा होता है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्बर्ट आइंस्टीन, और अगर कम होता है तो आप किसी भी अपने आसपास के मन बुद्धि वाले इंसान को देख सकते हैं, विकलांग इंसान को देख सकते हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि कुदरत ने जन्म से हम लोगों को इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन दे करके पैदा यहाँ पे भेजे हुए होते हैं। अब अपने आसपास देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अगर आप इतिहास की कहानी उठा करके देखेंगे या फिर आप YouTube पे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि ये वही लोग थे जो मेरे आपके जैसे थे, जिनके अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स था। तो किस चीज़ की अंतर होती है? अंतर होती है आपकी इनर साउंड की, जिसे आप अपने मन की आवाज़ कहते हैं। तो उन दोनों लड़के आगे चल कर के टेंथ का एग्ज़ाम देते हैं, और टेंथ के एग्ज़ाम में एक लड़का अच्छा पास आउट हो जाता है, दूसरा लड़का अच्छा नहीं कर पाता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाकई में जो खेलने वाला लड़का था उसके दिमाग कम थी, या फिर जो पढ़ने में अव्वल आ रहा था लड़का वो वाकई में एक्सीलेंट था? इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं। तो जो परवरिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। परवरिश में परिवार जाने अनजाने में अपने बच्चों के अंदर नेगेटिविटी डालना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि 11 साल तक जिस तरीके का परिवार के माहौल में उन बच्चों को सुनाया जाएगा वही आगे चल कर के उनका मन का आवाज़ हो जाएगा। मन की आवाज़ होने के कारण दूसरा बच्चा धीरे धीरे ये जान लिया कि मेरे नसीब में कुछ अच्छा करने के लिए नहीं लिखा हुआ है और शायद मैं अब अच्छा नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से वो प्रयास करना छोड़ दिया और एक टाइम पर वो बच्चा डिप्रेस हो गया, क्योंकि उसको परिवार से नेगेटिविटी ही मिलती थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 5 साल की उम्र में ज़रा सोचिए उस लड़के की क्या गलती थी। भगवान ने, कुदरत ने उसको इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स देकर भेजा था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि खेलने वाले लड़के लोग का दिमाग ज़्यादा चलता है, लेकिन दिमाग ज़्यादा चलने के कारण अगर आपकी परवरिश और अगर आपके आसपास का माहौल, आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है वो अगर गलत है, तो समझ लीजिए कि आगे चल कर के प्रॉब्लम होने ही होने वाली है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप आए दिन हुए न्यूज़ पर देखते हैं कि आतंकवादियों का ब्रेन वॉश हो गया। ब्रेन वॉश करने के कारण उनके लोगों को मारना भी उनको अच्छा लगने लगता है। लेकिन ठीक उसी तरीके से हम स्टूडेंट हैं, हम इमोशनली अपने परिवार से कनेक्ट होते हैं, हम इमोशनली अपने कॉलोनी के लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमें एक गलत डायरेक्शन भी दिखा दिया जाता है। कोई हमारे अंदर गलत इन्फॉर्मेशन फेड कर दिया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो इस कहानी में मैं आपको बेशक ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में अगर आपका इनर आवाज़ ऐसा होता है कि मैं आगे चल कर के कुछ नहीं कर पाऊँगा, आगे चल कर के मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक बार ज़रा अपने विचारों को लिखिए अपने कॉपी पर और देखिए कि वो आपके विचार कहीं आपके पेरेंट्स के या फिर किसी और के तो नहीं हैं। जिस तरीके से आप अपने मन में बोलना स्टार्ट किए हैं वो आखिर किसका प्रोडक्ट है? कहीं वो आपके परिवार के लोगों का या फिर आपकी जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ के लोगों का तो प्रोडक्ट नहीं है? तो अपने विचारों को आप एक कॉपी पर लिखिए और लिख लेने के बाद में उसको फाइंड आउट कीजिए कि ये विचार, ये थॉट्स मेरा है कि नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, आपको चॉइस करना है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो माहौल का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इस तरीके की अगर आपकी विचार, अगर सोचने की शक्ति बन चुकी है तो अब इस चीज़ को परिवर्तित कैसे किया जाए? क्योंकि जितना होना था 15 साल 16 साल हमने उस माहौल में अपना गुजार दिया, हमारा एक थॉट प्रोसेस बना जाने अनजाने में, इसमें परिवार की भी कोई गलती नहीं है।
परिवार को जितना समझ में आ रहा था उन्होंने आपको उतना ही बोला, हो सकता है उससे ज़्यादा भी बोला हो सकता है उससे कम भी बोला हो, लेकिन अब क्या करें? जिस जीवन पे अब आपको परिवार को सपोर्ट करना है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोशल रूप से, अब जाकर के आप उसमें उनका सपोर्ट करेंगे कैसे? जिस मानसिकता से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसको आप चेंज करेंगे कैसे? तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि YouTube पर आप लोगों की जीवनियाँ देखना स्टार्ट कर दीजिए, प्लस में इंटरव्यूज़ की वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। बिल गेट्स के इंटरव्यू के आप देख सकते हैं, स्टीव जॉब्स के आप देख सकते हैं। ये देख लेने के बाद में फिर अब आप पढ़ना कुछ अच्छे अच्छे बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है वीडियो, अपने जीवन के लिए, खुद के जीवन के लिए, खुद के थॉट प्रोसेस के लिए आप कुछ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। बुक परचेज करिए, यूट्यूब पर अच्छे लोगों का इंटरव्यू देखिए, उनकी जीवनियाँ को देखिए, जो स्टॉक देखिए, टेड टॉक देखिए, इन सब में आपको एक चीज़ मिलने स्टार्ट हो जाएगी कि हम आज जो भी अपने जीवन में कर रहे होते हैं वो पूरा का पूरा हमारा थॉट प्रोसेस का ही नतीजा होता है। वो थॉट प्रोसेस हमारे जन्म से लेकर के जब तक 16 साल 18 साल के होते हैं तब तक वो थॉट प्रोसेस हमें अपने परिवार, हमें अपने इन्वायरमेंट, हमें अपने देश से मिलता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है, क्या रॉन्ग है, किस बात पे जाना है और किस बात पे नहीं जाना है। तो इसके लिए आप लोग अच्छा अच्छा बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। 200 रुपये की एक ट्रैपिड बुक है जिसका मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया हुआ था। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे परचेज ना करें, लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर आपके अंदर ये आवाज़ आती है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फियर होता है, तो ये आपका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस का कमाल है। और ये तो तय है कि इस थॉट प्रोसेस से आप आगे जाने वाले नहीं हैं, तो इस थॉट प्रोसेस को कहीं से ना कहीं चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब चेंज होगा कैसे? तो आइए थोड़ा सा सोच लेते हैं कि ये बना कैसे, हमारा थॉट प्रोसेस बना कैसे। हम जन्म से लेकर के 16 साल तक जो कुछ भी सुनते हैं वही हमारे थॉट प्रोसेस का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आपको पता चल गया कि जब हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं वही हमारे थॉट प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आप इस पॉइंट में भी आने के बाद में अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना और अच्छी बुक्स का, सेल्फ हेल्प बुक का रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और एक बार अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा तो आपके एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे और उस एक्शन से आप अपने परिवार को भी सपोर्ट कर पाइएगा। बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद में या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनके मन में ये होता है कि यार बहुत साल हो गया पढ़ते हुए, अभी तक हम कमाने के लायक नहीं हुए। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस माहौल का जो इफ़ेक्ट होता है ये मैंने आपको बता दिया कि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आपका पहले एक ड्रीम था। तो जाइए और अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। परिवार से लड़ने की, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए आप एक अच्छा बुक रीडिंग कीजिए, लोगों का जीवन चरित्र पढ़िए, महान महान लोगों का जीवन चरित्र पढ़िए। यूट्यूब पेज लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनके वीडियो जाकर देखिए। टिकटॉक के गाने सुनने से या फिर वीडियो देखने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप
लोगों के जीवन को एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि आप इस जीवन में हर चीज़ को ट्राई नहीं कर सकते हैं। जीवन में आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिला हुआ है और आपको इसी में हर चीज़ करना होगा। तो आप ज़रा सोचिए, जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिला हुआ है तो आप हर चीज़ नहीं कर सकते। आपके पहले भी लाखों लोग आए, लाखों लोग चले गए, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम किए और कुछ लोग कुछ नहीं करके भी चले गए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है इस समय में कि आप पूरे जीवन में भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सेल्फ डिस्कवर कर लेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप अपने खुद को जान लेंगे, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। आपने पूरे जीवन को, आपने पूरे मानवता सभ्यता को आपने जान लिया। तो जाइए और अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और थॉट प्रोसेस को बदला जा सकता है और वो आपके एक्शन को भी प्रभावित करेगा। जाइए, अच्छे बुक्स, अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस सुनना स्टार्ट कर दीजिए और अपने लाइफ को एक अलग बात दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे चल करके मैं तुरंत वीडियो डालने वाला हूँ गाइडेंस के रूप में। जाइए और बस सेल्फ डिस्कवर कीजिए और किसी से भिड़ना नहीं है, किसी से भी लड़ना नहीं है, अपने ऊपर फोकस करना है और वन बाय वन करके आपको काम करते रहना है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।